Dear students, welcome to the classes of RayAcademy, and we are studying analysis of financial statements, and the chapter is accounting ratios, and the concept is how to find out working capital turnover ratio, and the question is a company earns a gross profit of 25% on cost. And for the year ended 31st March of the current year, its gross profit was rupees 5 lakh. And hume de rakha equity share capital, reserve fund surplus, long term loan and non current assets, which is rupees 10 lakh. Compute working capital turnover ratio of the company. तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में कुछ निकालने पड़ेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग नोट्स में सबसे पहले लाइन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स निकालेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट या cost of revenue from operations plus gross profit, which again we can say cost of revenue from operations agar isko hum todenge it will be gross profit into reverse of rate of return, kyunki hume gross profit de rakha hai aur rate of return de rakha hai aur rate of return on cost de rakha hai, to gross profit ke sath reverse of rate of return agar multiply karenge तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा और प्लस ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है उसको ऐड कर देंगे तो हमारा नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन जाएगा. हियर नेक्स्ट लाइन में ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है और रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा मल्टीप्लाई करिए, देन ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करिए. जो वैल्यू चेंज कर लिया है, रेड कलर के जगह पे रेड कलर, ब्लैक के जगह पे ब्लैक. तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा ये 20 लाख आएगा, रुपीज 20 लाख प्लस ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख, व्हिच इज इक्वल टू 25 लाख. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 25 लाख. देन नेक्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल निकालना है. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड कैपिटल माइनस लॉन्ग फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स. लायबिलिटी साइड का हो गया इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उससे नॉन करेंट एसेट्स अगर हटाएंगे देन वी विल बी गेटिंग वर्किंग कैपिटल. तो अभी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने में आएगा 10 लाख माइनस 2 लाख प्लस 3 लाख माइनस 10 लाख नॉन करेंट एसेट्स, देन दैट इज इक्वल टू 5 लाख. ये 5 लाख आपका हो गया वर्किंग कैपिटल. तो सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दैट इज इन द फेयर नोट्स वी कैन राइट डाउन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल. तो न्यूमरेटर में आएगा सेल्स व्हिच इज 25 लाख और वर्किंग कैपिटल अभी अभी यहाँ निकाला ये देखो 5 लाख, इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ पे रुपी फ्राइडे का सिंबल अलग दे रखा है, हर चीज रुपीज में होता है. देन दिस इज 5 टाइम्स 5 बार होता है, जहां पे न्यूमरेटर में सेल्स होता है पहले से तो आंसर टाइम्स में निकलता है. टर्नओवर रेशियो आर फाउंड आउट इन टाइम्स, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, यानी हमारा जो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी है दैट इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल सेल्स उसका 5 गुना होता है, दैट इज सेल्स इज 5 टाइम्स देन
our working capital invested in the business. And this is all about, you can say, what is working capital turnover ratio. अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए।